रीवा सांसद के बिगड़े बोल, राजनीति का गिरता स्तर, जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं की बदजुबानी बढ़ती जा रही है। क्या नहीं बोला रीवा सांसद ने, शायद ही कुछ छोड़ा हो। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि युवक कांग्रेस के सम्मेलनों में बोरे में गर्भ निरोधक मिलते थे, जिससे उनके क्रियाकलापों को समझा जा सकता है। रेप की संस्कृति इन्होंने ही फैलाई है, हत्या तस्करी सब कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि देश का इस समय माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने और क्या कहा। इसलिए अगर कोई 323 पांच सौ छवि का मुकदमा है तो उसको जमानत कोर्ट से विद इन सेकंड मिल जाएगी। हाँ, 376 करके कोई कांग्रेसी जाएगा तो उसको जमानत उतना नहीं मिलेगी। हत्या करेंगे कांग्रेसी तो जमानत इनकी नहीं होगी। हत्या करेंगे कांग्रेसी, इससे क्या मतलब? बार बार कांग्रेस को नहीं, वो कांग्रेसी इस मुल्क में रेप का फैशन युवा कांग्रेस के सम्मेलनों में कंडोम के बोरों में कंडोम मिलते थे, तो रेप का संस्कृति इन्होंने फैलाई। हत्याएं जो हुई, जो संस्कृति हत्याओं की फैलाई इन्होंने, अपराधियों को इन्होंने राजनीति में लाने का काम किया और पूंजीपतियों को लाने का काम इन्होंने किया, तस्करों को ले इन्होंने संसद का टिकट दिया। तो जितने भी आज लोकतंत्र पर ग्रहण जो लग रहे हैं वो कांग्रेस के कल्चर का, उसकी सरकार की नीतियों का, उसके नेताओं के आचरण का है। चाहे वो नेहरू रहा हो, चाहे वो गांधी रहा हो, वो इंदिरा गांधी रही हो, इन सारे लोगों के व्यक्तिगत आचरण पर देश के लोगों की क्या धारणा थी इसको तो पुराने लोगों से पूछिए, इतिहास देखिए, वो उसका इंदिरा मथाई की पुस्तक पढ़िए और इंदिरा गांधी के बारे में जितनी भी पुस्तकें हैं उनको पढ़िए, सोनिया गांधी की पुस्तकों के बारे में पढ़िए। तो ये कल्चर इनका रहा है, अयासी और हरामखोरी, भ्रष्टाचार, ब्लैक मार्केटिंग, तस्करों को संरक्षण। हम लोग नारा लगाते थे कि इंदिरा हाजी जो मस्तान लूट रहे हैं हिंदुस्तान, इस आधार पर देश में आंदोलन चला था कि हाजी मस्तान और वो बखिया और ये इंदिरा गांधी, ये तीनों लोग मिलकर के काला बाजार ये तस्करी करने का काम करते हैं। तो इस तरह से तो ये इनका कल्चर रहा है, इस पर ये आपने जैसे कहा कांग्रेस में आरोप तो भाजपा के भी 200 से ज्यादा सांसद, मैंने ये कहा कि राजनीति में अपराधियों को लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। आज मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी पार्टी में कोई अपराधी सांसद, किसी सांसद के ऊपर आरोप हो सकता है और होगा, भविष्य में भी आ सकता है। आइए आपको सुनाते हैं भाजपा सांसद के बिगड़े बोल पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष का क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, उम्र के साथ मानसिक रूप से जो बदलाव आता है उसका उन्होंने कल उदाहरण दिया है। मैं सांसद जी को बताना चाहता हूँ कि सांसद जी राघव जी आपके पार्टी के सदस्य हैं, भाजपा का जिलाध्यक्ष फूलेआम उसकी फोटो फेसबुक और मीडिया में आई भाजपा का, वो आपके पार्टी का सदस्य है। भाजपा कार्यालय में बड़े बड़े लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अखबारों में निकला था कि कंडोम पाया गया भोपाल और इंदौर में, सेक्स रैकेट पे भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े गए चलाते हुए इंदौर और भोपाल में। बिंद की धरती की हम बात करें, बिंद की धरती में सांसद जी आपके एबीवीपी का एक सदस्य 1 क्विंटल 40 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया, तब आदरणीय सांसद जी कहाँ सो रहे थे। अपना चरित्र देखिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र देखिए। दूसरा, कुछ ही महीने पहले ISI का एक एजेंट पकड़ा गया सतना के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। अरे कितनी और जानकारी सांसद जी आपको चाहिए,
आप नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी की बात मत कीजिए, आज वर्तमान की बात कीजिए। वर्तमान में आपके चाल और चरित्र में कैसा फर्क आ रहा है? दोहरी राजनीति मत कीजिए। यही बीपी सिंह जी की सरकार हुआ करती थी तो पीछे से समर्थन किसने दिया था, इस पे चिंतन करिए, इसमें मंथन कीजिए। और आप भारतीय जनता पार्टी के कैडर के लीडर बन के नहीं आए हैं, आप कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी का आपने चोला पहना है, तो आप अपना चरित्र उन चरित्रों को के साथ अपने बेटे को समझाइए। उसने तिरंगा झंडा उल्टा लटका दिया था, FIR आपके कारण नहीं हो पाई, लोग FIR कराने गए थे। तो मेरा सांसद जी से आग्रह है कि आप एक काम बहुत अच्छा करते हैं, जो सड़कों का कचरा नहीं साफ करते हैं, खाली फोटो खिंचवाने के लिए आप जो लैटरिंग साफ करते हैं उसके लिए जब जरूर साधुवाद में आपको दूंगा।